R15 वर्जन 3 कितना देती है? जी हाँ, यही सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्जन 3 क्या माइलेज देती है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके की रोड पर इसे चला रहा हूँ और मैंने किस स्पीड पर चलाया है, क्या स्पीड मेंटेन करी है, कितनी एवरेज मिली है। तो गाइस, सबसे पहली बात, मैंने इस बाइक को 246 किलोमीटर चलाया है, जिसमें कि मेरा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अप डाउन है। उसके बारे में थोड़ी सी पहले डिटेल जान लेते हैं कि मेरा ऑफिस से घर है 20 किलोमीटर एंड वाइस वर्सा, और जिसमें कि 10 किलोमीटर ऐसा है जिसमें मैं इजीली 60-80 क्रूज कर सकता हूँ, एंड बाकी का जो 9 किलोमीटर है वो कुछ ऐसा स्ट्रेच है जिसमें कि बाइक की जो स्पीड है वो 20-30 तक रहती है, मैक्सिमम 40 तक। एंड अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, कि मेरी एवरेज स्पीड क्या आती है, तो V3 दिखाती है कि आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 25 से 26 किलोमीटर पर आ रहा है। एवरेज इकोनॉमी की बात करें, जो कि आपकी अभी तक की, जब तक आपने रीसेट नहीं किया तब तक की आपकी पूरी एवरेज बताता है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, लीटर पर 100 किलोमीटर, मीन्स कि आपका कितना लीटर फ्यूल लगा 100 किलोमीटर के राइड पर। तो जैसे मैंने ऑफिस से घर ही राइड करी है, तो आप देख सकते हैं कि 2 लीटर पेट्रोल लगा है 100 किलोमीटर में, मींस ये 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। काफ़ी वीडियो आपने देखी होगी कि जिसमें अलग अलग तरीके से पेट्रोल भरवा के और ये सब चेक करते हैं। आई डोंट थिंक कि उसका कोई बेनिफिट है, बिकॉज आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिजर्व टू रिजर्व मेथड अप्लाई नहीं होता है, तो उसमें ज़रूर आपका एग्जैक्ट माइलेज नहीं पता लगेगी। तो जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यामा के पास है और वो आपके हाथों में है, तो क्यों ना हम उसी पर ही रिलाई करें। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो एवरेज इकोनॉमी दिखाता है ये एकदम परफेक्ट दिखाता है, परफेक्ट नहीं तो आसपास दिखाता होगा, पर एक आइडिया मिल जाएगा हमें कि हम कितनी एवरेज हमें मिल रही है। तो आपने देखा कि मेरी V3 से मुझे 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही है। एंड अपनी फर्स्ट सर्विस होने के बाद मैं ज़रूर दोबारा से एक और वीडियो लाऊंगा कि क्या एवरेज मुझे फर्स्ट सर्विस के बाद मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज विनय फ्रॉम इन्फोइंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय। I'm not the only one.